मेरे YouTube के चाहने वालों कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम एक बार फिर से क्रॉसमैन 4 खेलने वाले हैं और बात करने वाले हैं अपने टूल्स के बारे में, वेपन्स के बारे में कि कैसे आप अपने वेपन्स को एन्चेंट कर सकते हो। और हाँ भाई लोगों, आज की वीडियो में कोई फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कैसे आप अपने टूल्स को एन्चेंट कर सकते हो और कैसे उसे यूज कर सकते हो। वेल जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वेल तो सबसे पहले आ जाती है हमारी स्वॉर्ड। वेल जल्दी से इसे उतार लेते हैं। ओके, अभी के लिए बात करते हैं इसकी एन्चेंटमेंट की, कौन कौन सी एन्चेंटमेंट आपको अपनी स्वॉर्ड पे लगानी है। वेल सबसे पहले आ जाएगी हमारी अनब्रेकिंग और मेंडिंग। अनब्रेकिंग थर्ड आपकी स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी और जो मेंडिंग है वो आपकी एक्सपी लेकर आपकी स्वॉर्ड को रिपेयर कर देगी ऑटोमेटिकली। वेल तो अपनी स्वॉर्ड के लिए दूसरी एन्चेंटमेंट है फायर एस्पेक्ट सेकंड। वेल तो फायर एस्पेक्ट सेकंड से ये होता है कि आप किसी भी मॉब को अगर मारते हो फायर एस्पेक्ट वाली स्वॉर्ड से तो उसे आग लग जाती है। वेल तो नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है हमारी लूटिंग थर्ड। वेल जल्दी से इसे अपनी स्वॉर्ड में लगा लेते हैं। वेल तो लूटिंग थर्ड से होता ये है कि आप जब भी किसी हॉस्टाइल मॉब को मारते हो, जस्ट लाइक कि वीदर स्केलेटन होता है, अगर आप उसे किसी नॉर्मल स्वॉर्ड से मारते हो जिसके अंदर लूटिंग थर्ड नहीं लगी है तो काफी ज्यादा कम चांस होते हैं कि वो वीदर स्कल ड्रॉप करे। बट वहीं पे अगर आप उसे लूटिंग थर्ड वाली स्वॉर्ड से मारते हो तो चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं कि वो वीदर स्कल ड्रॉप करे। वेल तो नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है हमारी नॉक बैक सेकंड। अब जल्दी से अपनी स्वॉर्ड में लगा लेते हैं और इसकी एबिलिटी की बात करते हैं। वेल तो नॉक बैक से होता ये, आप जब भी किसी मॉब को मारते हो जस्ट लाइक पिगलिन है, आप देखो इसे मैं मार रहा हूं और ये कितना पीछे जा रहा है। लिटरली भाई लोगों, ये काफी ज्यादा पीछे जा रहा है। अगर वहीं मैं इसे हाथ से मारूं तो ये ज्यादा पीछे जा नहीं रहा है। वेल तो नॉक बैक से यही होता है कि हिट करने पे मॉब काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। वेल तो नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है हमारी स्माइट फायर। और स्माइट फायर का एक स्वॉर्ड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेज डील करती है। देखो यहाँ पे मैंने एक पिगलिन को स्पॉन करा, अगर इसे मैं नॉर्मली मारूंगा तो ये बहुत ज्यादा हिट्स में मरेगा, बट यहाँ पे स्माइट फायर से जस्ट एक हिट में ये मरे जा रहा है। वेल तो स्माइट फायर से यही होता है कि ये बहुत ज्यादा डैमेज डील करती है। वेल तो बन के रेडी है हमारी एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड। वेल तो नेक्स्ट टूल है हमारा नेदरराइट की एक्स। वेल तो बात करते हैं इसकी एन्चेंटमेंट की। तो सबसे पहले इसके अंदर अनब्रेकिंग थर्ड और मेंडिंग लगेगी। वेल तो अनब्रेकिंग थर्ड आपकी एक्स की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करती है और मेंडिंग से आपकी एक्स ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहेगी। वेल तो नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है हमारी एफिशिएंसी फायर। एफिशिएंसी फायर से ये होता है कि ये आपकी एक्स की स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। वेल तो यहाँ पे दो तरह की पिकएक्स है, एक के अंदर एफिशिएंसी फायर लगी है और एक के अंदर एफिशिएंसी फायर नहीं लगी है। वेल आप खुद ही डिफरेंस कर लो कि कौन सी ज्यादा फास्ट है। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास फॉर्च्यून थर्ड। अब फॉर्च्यून थर्ड को ज्यादा कोई अपनी एक्स में लगाता नहीं है तो वेल इसे रहने ही दो क्योंकि इसका ज्यादा कोई यूज नहीं होता एक्स में। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास शार्पनेस फायर। आप शार्पनेस फायर के नाम ही से आप पता लगा सकते हो कि इसका क्या ही काम हो सकता है। हाँ भाई लोगों, शार्पनेस फायर आपकी एक्स को बहुत ही ज्यादा शार्प रखता है और शार्पनेस फायर वाली जो एक्स होती है इसका जो क्रिटिकल हिट होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज डील करता है एक मॉब पे, जो स्माइट फायर वाली स्वॉर्ड से भी ज्यादा होता है। वेल तो इसी के साथ बन के रेडी है हमारी एक बहुत ही पावरफुल एक्स। वेल तो नेक्स्ट टूल है हमारा पिकएक्स। तो अभी के लिए बात कर लेते हैं पिकएक्स की एन्चेंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी अनब्रेकिंग थर्ड और मेंडिंग। वेल तो अनब्रेकिंग थर्ड और मेंडिंग से क्या होता है ये सब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट बुक है हमारे पास एफिशिएंसी फायर। एफिशिएंसी फायर से ये होता है कि ये आपकी पिकएक्स की जो माइनिंग स्पीड है उसे बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल पिकएक्स है और एक में एफिशिएंसी फायर लगी है। वेल आप खुद ही डिफरेंस कर लो कि कौन सी ज्यादा फास्ट है। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास यहाँ पे फॉर्च्यून थर्ड। आप जल्दी से इसे अपनी पिकएक्स में लगा लेते हैं। वेल तो फॉर्च्यून थर्ड से होता यह है कि ये हमारे सामान को डबल कर देती है। जैसा यहाँ पे मैंने 8 ब्लॉक डायमंड के लगाए हैं, आप जल्दी से फॉर्च्यून थर्ड वाली पिकएक्स से तोड़कर देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सारे तोड़ दिए। अभी के लिए देखना भाई लोगों, मैं डायमंड कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके भाई लोगों, यहाँ पे मेरे पास 17 डायमंड्स कलेक्ट हो गए हैं। वेल तो फॉर्च्यून थर्ड से यही होता है कि इससे अगर आप कोई भी ब्लॉक माइन करते हो तो वो आपको डबल क्वांटिटी में मिलेगा। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास यहाँ पे सिल्क टच, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आपके पास पिकएक्स है जिसके अंदर ऑलरेडी फॉर्च्यून थर्ड लगी है तो उस पिकएक्स के अंदर आप सिल्क टच को नहीं लगा सकते। अब देखो सिल्क टच से होता ही है, अगर आप इसके साथ कोई भी और माइन करते हो तो आपको डायरेक्ट और ही मिलेगा। अब जैसा यहाँ पे मैंने डायमंड माइन करा, मुझे डायमंड मिलने की जगह यहाँ पे सीधा और मिल चुका है। वेल तो सिल्क टच से होता यही है कि आप किसी भी ब्लॉक को माइन करते हो तो आपको डायरेक्टली और ही मिल जाएगा। तो इसी के साथ बन के रेडी हमारी एक बहुत ही पावरफुल पिकएक्स। वेल तो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास यहाँ पे शोवल। अब जल्दी से इसकी एन्चेंटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगी मेंडिंग और अनब्रेकिंग थर्ड। वेल मेंडिंग और अनब्रेकिंग थर्ड की एबिलिटी तो आपको पता ही है। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी फायर और सिल्क टच। अब जल्दी से इसे अपनी शोवल में लगा लेते हैं। एफिशिएंसी फायर आपकी शोवल की स्पीड को एकदम से लिटरली इनसेन बना देगी और सिल्क टच से ये होता है कि ये आपको सीधा ब्लॉक ही दे देगी, मतलब रियल ब्लॉक जो आप तोड़ते हो वही आपको देगी। जैसे यहाँ पे मैं ग्रास ब्लॉक तोड़ तो मुझे नॉर्मली ग्रॉस ब्लॉक मिल रहा है। वेल तो इसी के साथ बन के रेडी है हमारी एक बहुत ही पावरफुल शॉवल। नेक्स्ट टूल है हमारे पास हो। आप जल्दी से इसकी एन्चेंटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनब्रेकिंग थर्ड और मेंडिंग। आपको पता ही है कि अनब्रेकिंग थर्ड और मेंडिंग क्या ही काम करते हैं। अब नेक्स्ट बुक है हमारे पास यहाँ पे फॉर्च्यून थर्ड और एफिशिएंसी फाइव। फॉर्च्यून थर्ड से ये होगा कि अगर आप कहीं भी सीड तोड़ते हो तो आपको डबल क्वांटिटी में सीड मिलेंगे और एफिशिएंसी फाइव आपकी हो की स्पीड को एकदम से इंक्रीज कर देगी। आई मीन कि अगर आप कहीं भी हे बेल तोड़ते हो या लीव्स तोड़ते हो तो उसमें आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। वेल तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास अपनी बो। आप जल्दी से इसकी
इन्वेंट की बात कर लेते हैं। वेल तो यहाँ पे सबसे पहले लगेगी हमारी पावर 5, उसके बाद लगेगी हमारी 5 सेकंड, उसके बाद आ जाएगी हमारी फ्लेम फर्स्ट, देन लास्ट पे आ जाएगी हमारी इन्फिनिटी। वेल तो अभी के लिए बात कर लेते हैं एबिलिटी की। सबसे पहले पावर 5 से ये होता है कि आपकी बो में बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा, लिटरली भाई लोगों एक शॉट किसी भी मॉब के लिए काफी होगा। वेल तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी 5 सेकंड, और 5 सेकंड एज ए नॉक बैक काम करती है हमारी बो में। वेल तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम। अब फ्लेम से ये होता है कि जब कभी भी बो के अंदर से एरो रिलीज होती है तो उसके अंदर आग लग जाती है। एंड लास्ट है हमारी इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से ये होता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री में जस्ट एक एरो है तो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली। वेल तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास अपनी क्रॉसबो। अब जल्दी से इसकी एन्चेंटमेंट की बात कर लेते हैं। वेल तो फर्स्ट बुक है हमारे पास क्विक चार्ज थॉट। अब क्विक चार्ज थॉट से ये होता है कि आपकी क्रॉसबो की रिलोड स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास मल्टी शॉट फर्स्ट। अब मल्टी शॉट फर्स्ट से ये होता है कि ये एक ही टाइम पे 3-3 एरो फायर कर सकती है। बट क्रेजी बात ये है कि आपकी इन्वेंट्री से जस्ट एक ही एरो यूज होगा, अब आप एक ही तीर से 3-3 निशाने लगा सकते हो। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास पायरसिंग फोर्थ। अब पायरसिंग फोर्थ को आप उस क्रॉसबो में यूज नहीं कर सकते जिसके अंदर पहले ही से मल्टी शॉट लगी हुई है। वेल तो पायरसिंग फोर्थ से होता ये है कि आप एक ही लाइन में अगर 3 मॉब आ रहे हैं तो आप तीनों को एक ही एरो में मार सकते हो, मतलब आपको बार बार शूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टूल है ट्राइडेंट। वेल तो बात करते हैं इसके एन्चेंटमेंट के बारे में। सबसे पहले आपको मेंडिंग और अनब्रेकिंग थॉट लगा देनी है, जिसकी एबिलिटी तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी लॉयल्टी थॉट। अब लॉयल्टी थॉट से ये होता है कि अगर आप अपने ट्राइडेंट को कहीं भी फेंकते हो तो वो आपके पेट की तरह आपके पास वापस आ जाएगा। अब देखो अगर हम नॉर्मल ट्राइडेंट को फेंकते हैं तो ये जाकर मुझे मैन्युअली उठाना पड़ता है, बट वहीं पे अगर मैं लॉयल्टी वाले ट्राइडेंट को फेंकता हूं तो ये मुझे वापस मिल जाता है। लिटरली भाई लोगों ये हमारे पेट की तरह हमारे पास वापस आ जाता है। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास रिप्टाइड थॉट। बट आप रिप्टाइड थॉट को उस वाले ट्राइडेंट में नहीं लगा सकते जिसके अंदर पहले ही से लॉयल्टी 3 लगी हुई है। अब देखो भाई लोगों रिप्टाइड थॉट से होता ये है कि अगर बारिश का मौसम है और हमारे पास रिप्टाइड थॉट वाला ट्राइडेंट है तो हम लिटरली भाई लोगों उड़ सकते हैं। ओके भाई लोगों यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई है। ओके भाई लोगों ये करा मैंने जंप, अरे भाई साहब मूड टूट गया, मुझे अपनी गेम क्रिएटिव में करनी पड़ेगी। अब देखो भाई लोगों मैं रिप्टाइड वाले ट्राइडेंट से लिटरली भाई लोगों उड़ सकता हूँ। वेल तो नेक्स्ट बुक है हमारे पास इंपेलिंग 5। वेल तो इंपेलिंग 5 की एबिलिटी ये है कि जो अंडर वाटर मॉब्स होते हैं ना उसको ये ज्यादा डील डैमेज करता है, और अगर हम पानी के अंदर स्विम कर रहे हैं तो उसमें भी इंपेलिंग 5 हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मेरा मतलब स्विमिंग की स्पीड को ज्यादा फास्ट कर देता है। वेल तो फाइनल बुक है हमारे पास चैनलिंग, और ये बहुत ज्यादा क्रेजी है लिटरली भाई लोगों। अब देखो भाई लोगों अगर हम किसी भी पिक को हिट करते हैं ट्राइडेंट से जिसके अंदर चैनलिंग लगी है नॉर्मल मौसम में तो भाई लोगों उसे तो कुछ नहीं होगा, बट वहीं पे अगर हम थंडरस्टॉर्म के मौसम में उसे हिट करते हैं चैनलिंग वाले ट्राइडेंट से तो वो ज़ॉम्बी पिगलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटरली भाई लोगों दिस इज इनसेन। वेल तो इसी के साथ बन के रेडी है हमारा एक बहुत ही पावरफुल ट्राइडेंट। तो बस भाई लोगों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से जाकर मेरे पुराने वीडियोस देखो और वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।